बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाजिया नैयर और मेरे साथ इस वक्त साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनको प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू शाजिया, माय प्लेजर। साजिद साहब, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अमरीका और चीन की जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। खास तौर पे जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी का दौरा जो ताइवान का हुआ है, उसके बाद से ये कशीदगी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ना सिर्फ ये कि चीन की तरफ से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, बल्कि व्हाइट हाउस की तरफ से भी चीनी सफीर को तलब किया गया वहां पर, और इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई वहां पे। आप क्या कहना चाहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पे? देखिए, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पॉलिटिकल रेटिंग बड़ी नीचे आ चुकी है, और उसके लिए वो अपनी मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी रेटिंग ठीक हो। इसमें पहले हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ओबामा साहब की रेटिंग जब नीचे आई थी तो उन्होंने उसामा बिन लादन को पकड़ा, और उसके बाद कासिम सुलेमानी डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में, और आज इस दफा ये हो रहा है, और साथ ही ताइवान की तरफ, क्योंकि लोकल इशूज जो है इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रिफ से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं मुसलसल। उसकी मेन रीजन जो है वो महंगाई है, कोविड के असरात हैं, लोग अभी तक वापस नहीं आ रहे, और यहाँ पे सोशलिस्ट एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है। मैं अगले दिन सरप्राइज में स्टेट ऑफ मैरीलैंड के एक ऑफिस में गया, सारा ऑफिस घर से बैठ के काम करता है, दफ्तर सारे गवर्नमेंट के सारे दफ्तर खाली पड़े हैं, या कई दफातर जो है उनमें सिर्फ दो दिन के लिए लोग आते हैं, बाकी वो घरों में बैठे हैं। घरों में बैठ के वो काम नहीं करते, या तो अपनी वो जॉबें करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, या कोई और काम कारोबार करते हैं। इकॉनमी के हालात सब खराब हैं, लोग काम करने वाले मिलते ही नहीं है, जो एक जिस तरह पहले सोशलिस्ट ममालिक के अंदर होता था कि लोगों को घरों में बिठा के लोग गवर्नमेंट जो है वो उनको फीड करती थी, इसी तरह अमेरिका जो है वो मुसलसल एक सोशलिस्ट एजेंडे पे काम कर रहा है, डॉलर प्रिंट कर करके एक आर्टिफिशियल इकॉनमी को खड़ा कर रखे हैं, और उसी की वजह से कई चीजें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अगर आप वॉशिंगटन डीसी में किसी एयरपोर्ट पर आते हैं तो चार चार घंटे की इमिग्रेशन की लाइनें हैं, लेकिन आप अगर बॉर्डर इलीगल क्रॉस करते हैं मैक्सिको से तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है, बल्कि आपको जहाज का टिकट दिया जाएगा, होटल में कमरा दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें जब बाइडन साहब प्रमोट कर रहे हैं, बाइडन साहब तो नहीं है बल्कि बराक ओबामा की थर्ड टर्म है, और ये इसी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, और इन चीजों से लोगों की अटेंशन जो है डाइवर्ट कराने के लिए। उन्हें जरूरत थी, पहले तो वो सऊदी अरेबिया गए, उनकी मिन्नतें की कि हमारा तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएं, उन्होंने जब जवाब दिया उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, तो उसके बाद ये ताइवान का ड्रामा है, जिसमें अब मैं थोड़ा सा इसकी तफसील बताना चाहूंगा कि इसके पीछे अवामिल क्या है। अमेरिका की सारी इकॉनमी जो है वार बेस इकॉनमी है, इन्हें दुनिया में ट्रबल चाहिए होती है, और जिसकी वजह से जिसके रिएक्शन में इन्होंने अपना असला भेजना होता है। अब आप देखें कि ये पहले यमन को अपने मिसाइल देते रहे हैं, वही मिसाइल जब उन्होंने दुबई पे मारे तो इस वक्त 5.5 बिलियन जो है इसका असला वो सऊदी अरेबिया और दुबई को भेज रहे हैं। दुबई के कई मिसाइल, यमन होतियों के कई मिसाइल जो थे वो दुबई के आसपास गिरे, बल्कि एक ऑयल रिफाइनरी पे गिरा आगे, तो उसी को रोकने के लिए, यमन हुतियों के जो मिसाइल के अटैक्स हैं उनको रोकने के लिए दुबई को, यूएई को 2.5 बिलियन से ज्यादा के बैटरीज दी जा रही हैं जो मिसाइलों को प्रोटेक्ट कर सके, उनको एयर स्पेस प्रोटेक्ट। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त नैन्सी पेलोसी ताइवान में गई है, यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप बताना चाहूंगा कि 1972 से लेकर आज तक इनके 3 मुआहदे चाइना के साथ हो चुके हैं, जिससे ये एग्री करते रहे हैं कि चाइना वन की पॉलिसी पे, कि चाइना और ताइवान एक ही चीज का हिस्सा है, लेकिन आज वहां पे सेपरेटिस्ट जो चीजें हैं उनको हवा दी जा रही है। नैन्सी पेलोसी उनके मना करने के बावजूद गई, और उसके बाद उन्होंने वहां पे चारों तरफ से अपनी लाइव एमिनेशन के साथ चाइनीज ने एक्सरसाइज शुरू की, पर एक दिन के अंदर 70 जो परवाजें थी कमर्शियल एयरलाइंस की वो कैंसिल हुई, और ऐसे ऐसे मिसाइल वहां चला रहे हैं जो ताइवान के ऊपर से गुजर रहे हैं, और वहां पे ताइवान के जो रहने वाले हैं वो बंकरों में हैं, छुप कर बैठे हैं। और दूसरा, चाइना जो है वो उसका उनका स्टाइल जो तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि जब भी वो किसी नेशन या किसी चीज के खिलाफ जाते हैं तो सबसे पहले उसको फाइनेंशियली चोक करते हैं,
इस वक्त 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ताइवान की हैं, उनकी चाइना के अंदर जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया गया है, और इनकी यही ख्वाहिश है कि इनका घेरा डाल के, क्योंकि ताइवान इज एन आईलैंड, छोटा सा एक जजीरा है, तो उसको सबसे पहले फाइनेंशियली चोक किया जाए। उनका जाहिर जो चीजें बाहर से जाएंगी या वहां से आती हैं या जाती हैं उनको रोक दिया जाएगा तो बेचारे क्या करेंगे। और दूसरा उनके पास चॉइस यही है कि अपना खाना पीना छोड़ के अमरीका से असला खरीदे, तो उस असले को खरीद के तो कुछ अरसे के लिए वो अपना इन चीजों, लेकिन ये सारा जो किया कराया है अमेरिका, आपको पता है पहले भी जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना करके इराक में गया और वहां से कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन इराक को तबाह कर दिया गया। इनका आइडिया था पहले इराक को दो ममालिक में डिवाइड कर दिया जाए, कुर्द अलग कर दिए जाए, शिया अलग कर दिए जाए, सुन्नी अलग कर दिए जाए, वो भी नहीं किया। मुअम्मर कजाफी के पीछे गए, उसको भी किया, और लीबिया के आज के हालात आपको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये अमेरिका का ये जो एक चीज है, प्रीएम्प्टिव अटैक्स करने का एक लॉ पास किया गया था जॉर्ज बुश पीरियड में कि हमें जहां से भी खतरा नजर आएगा हम प्रीएम्प्टिव एहतियातन जाके वहां हमला कर देंगे। एक ऐसा कानून है कि आप सोच नहीं सकते, जिसके जरिए ना सिर्फ मुल्कों को तबाह किया जाता है अमेरिकन लाइव्स के खिलाफ, और कई कौमें सफर कर रही हैं, लेकिन क्या करें, उसी तरह ताइवान की शक्ल नजर आती है। और जहां एक चीज है वहां पे इंडो पैसिफिक, उस अंदर वहां पे इन्होंने अपना एक शिप कैरियर भेज दिया है, चाइना का भी शिप कैरियर है वहां पे, और इनकी जो ओरिजिनल इनकी ख्वाहिश ये थी, जो पिछले 20 सालों से इन्होंने एक प्रोग्राम बना लिया था कि हमें छोटे छोटे ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इससे निकलकर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है चाइना की ग्रोथ को रोकना, तो वो चाइना को किसी न किसी जंग में एंगेज करना चाहते हैं, वरना चाइना फाइनेंशियली इनको बहुत ज्यादा गैप देता जा रहा था, और ये भी उसी पॉलिसी की एक कड़ी नजर आती है। अगर आप डॉट्स को मिलाएं तो ये नजर यही आता है कि अमेरिका चाइना की तवज्जो उसकी इकॉनमी को रोकना, इनका जो इंडो इंडो पैसिफिक जो कि बहुत बड़ी समुद्री गुजरगाह है जहां से चाइना अपना माल जो दूसरी दुनिया को सप्लाई करता है, वहां पे भी इन्होंने क्वाड बना लिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, और इसी तरीके से इनका सबसे जिस तरह इनका प्रोग्राम नजर आ रहा है, इसमें दुनिया जो है आने वाले दिनों में सेफ नजर नहीं। अच्छा साजिद साहब, एक बहुत अहम वाकया हुआ पाकिस्तान में लसपेला में हेली क्रैश के बाद, देखा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज के खिलाफ काफी नफरत अंगेज एक मुहिम शुरू की गई, और जबकि दूसरी जानिब तालिबान कमांडर की हलाकत के बाद हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से भी एक ऐसी मुहिम शुरू की गई जिसमें सारे का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई, जबकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे भी शुरू हुए। इस हवाले से इस तमाम तर सूरत हाल पर आपका क्या राय है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से उन लोगों ने शहादत का जज्बा साथ लेकर जिस तरीके सलाब जदगान को सर्व कर रहे थे, रिमार्केबल। लेकिन मैं दो चीजों का यहाँ पे जो मुझे सख्त अफसोस है, मैं कंडम करना चाहूंगा। सबसे पहले ये सोचें कि वो लोग जो थे, किसी के वो बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के शौहर थे, और सबसे बड़ी बात यह कि यूनिफॉर्म में थे, किसी की कमांड लेकर वो वहां पे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सर्व कर रहे थे। उनकी शहादत के बारे में या उनकी खिदमत के बारे में कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, एक। लेकिन जिस तरीके से फिफ्थ जनरेशन या सिक्स्थ जनरेशन वॉर टैक्टिक के जरिए उन पे अटैक किया गया, मैं खुद उसका विक्टिम हूं कि मैंने ट्वीट किया उनके हक में कि उनकी शहादत के बारे में, तो जिस तरीके से ये बच्चे ट्वीट वाले जो फेक अकाउंटों वाले आगे नीचे गालियां लिखी उन्होंने इन फौजियों के खिलाफ, वो मैं उसको जितना भी कंडम किया जाए वो कम है। वो हीरो थे, वो इसमें कोई शक नहीं है। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक जो आपने बात की है वो ये तो चले लसबेला हेलीकॉप्टर क्राइसिस, एक हादसा तो पाकिस्तान के अंदर था। अब जब एमान अज़वारी के बारे में डायरेक्टली उसमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से पाकिस्तान को जलील, और फिर एक मेरा मकसद दहशतगर्द मुल्क जो है वो बनाने के लिए उन्होंने ट्राई की है, उस पे क्या है कि एमान अज़वारी को जब काबुल में जो मारा गया, तो उसके बारे में ये जो हमारे ट्विटर अकाउंटों वाले बच्चे हैं, इन्होंने कहा है कि वो ड्रोन यहां से उड़ा था पाकिस्तान के सरज़मीन। फिर इन्होंने ये ट्रोलिंग की कि बाजवा साहब ने मुल्क भेज दिया, तो ये फिफ्थ जनरेशन वॉर नहीं तो क्या है? और शाजिया, उससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 1100 बच्चे और हायर कर लिए हैं 25-25 हजार महीने में।
जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ी एक फोर्स बनाई गई है। बहुत बड़ी, लेकिन मुझे, मैं समझता हूं कि क्या अदारे सो रहे हैं, अदारे छोड़ के पाकिस्तान को भाग गए क्या? पहले आपको पता है कि यहां पे कोई एक लफ्ज बोलता था शाम को उठा लिया जाता था, आज वो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, तो इनको कोई कोई एहसास नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो ना हायर करें, जो मर्जी करें उनका हक बनता है, लेकिन इसके लिए शासकीय मुझे खत्म करना है, लेकिन इसके बारे में एक एक कानून बना दें, इनको एक गाइडलाइन दे दें कि आप इसको सियासी मकासद के लिए यूज करें, आप इसको स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए इस्तेमाल ना करें। ये अफवाजें पाकिस्तान को बख्श दें, अदलिया को बख्श दें, लोगों की माओ बहनों को इस तरीके से उनके खिलाफ ट्रोलिंग ना की जाए, किरदार साजी उनकी ना इस तरह की जाए, किरदार कुशी ना की जाए, लेकिन गाइडलाइन बनाने में क्या हर्ज है, लेकिन आज कोई नहीं बना। साजिद साहब, इसी हवाले से एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी उसके ऊपर भी आप बात कीजिए कि इससे पहले ये तो कल के बच्चे हैं, छोटे हैं, इनके अभी जहन साजी हो रही है, लेकिन जिनकी जहन साजी हो चुकी है, मैं शीरी मजारी साहिबा के हवाले से बात करना चाहूंगी कि उनकी तरफ से बहुत एक मजमून किस्म की ट्वीट की गई जो कि फौज के खिलाफ थी, और जिस बच्चे ने ट्वीट की थी उसने भी ये कहा कि मैं कुछ अकाउंट से मुतासर होकर मैंने ये ऐसी ट्वीट की। लेकिन अगर शीरी मजारी साहिबा जैसे जो सियासतदान है, अगर वो भी अपनी अफवाज के खिलाफ इस तरह जहर उगलेंगे, इससे पहले उनकी बेटी की तरफ से भी इस किस्म के बयानात सामने आते रहे कि वो फौज को जब उनको मौका मिलता है तो वो फौज के खिलाफ शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी क्या कुछ होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट लेवल पे बैठ के आप अपने इदारों को खराब कर रहे हैं? देखें, आप इसमें एक थोड़ी सी गलती आप मिस कर गए, डॉक्टर शीरी मजारी, वो पीआई जी जी, और दूसरा मैंने आज दूसरे एक लफ्ज सुने, मैंने कल दो लोगों को लड़ाई देखी ट्वीट पे, डॉक्टर शहबाज गिल और सलीम साफी साहब। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक चीज की तस्वीर खींच के साथ ट्वीट की, मैं इस पे वो मेरी इखलाकी जरूरत मुझे इजाजत नहीं करती कि आप शाजिया आपके सामने वो लफ्ज इस्तेमाल करूं जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, और वो हुकूमत में बैठे हुए और हुकूमत में बैठे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी जो कहते मजहबी पार्टी के वो चीफ ऑफ स्टाफ है, और एक लफ्ज नहीं निकलता इमरान खान साहब के मुंह से कि यार खुदा के लिए ये फौज को छोड़ दो यार, इसकी इसको इसके पीछे इमरान खान तो खुद फौज को माफ करने के हक में नहीं है। नहीं देख, तो माफ कर मेरा, मुझे ये बात बताएं कि अगर डांट जमा करें तो नजर आते हैं ये अमेरिकन एजेंट है, जिस तरीके से ग्वादर बंद कर दिया है, जिस तरीके से इन्होंने सीपैक बंद कर दिया है, जिस तरीके से आज फिर 36 गाड़ियां ले रहे हैं, आज फिर इनके चीफ मिनिस्टर ने उठ के इनको अमेरिकन एम्बेसडर को अपनी सीट पर बिठा दिया है, फिर उसको तोरखम का दौरा कराया गया है मंजूरी के साथ, शीरी मजारी ने ट्वीट की है, उनको ये नहीं पता कि वहां पे चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के, पीटीआई की गवर्नमेंट है वहां पे, उसकी मंजूरी के बगैर किस तरीके से जा सकता था अमेरिकन एम्बेसडर तोरखम एरिया में। आप प्लेटों में रख के हर चीज अमेरिकनों को देते हैं। मोहसिन बेग साहब ने चैलेंज किया है कि जब बनी गाला बनने से पहले इमरान खान साहब का जो रिहायश थी वो E7 के अंदर उसका किराया अमेरिकन एम्बेसी देती थी, चैलेंज करें ना उनको आगे निकल के। देखिए, ये आपने जो, मेरा मकसद है एक बड़े, अब जिस तरीके से खान साहब ने जाकर अपने ब्रदर इन लॉ जो कि जुएश है लंदन में, और सादिक खान की उसके खिलाफ कंपेन चलाई है, ये छुपी है कुछ चीजें, ये कहां छुपी है? लेकिन असल में जब वो बात होती है कि जब मैं कहता हूं कि कौम को जब मजहब का बेच दिए, मजहब के नशे पे लगा दिया जाए कि मैं बात हक पे हूं, आप बातल हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ हूं, बाकी सारे गद्दार हैं, तो ये उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इन्होंने बिल्कुल वही उसी तरीके पर कर, इन्होंने वही वारदात डाली है जो अयूब खान ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ डाली थी, आज पाकिस्तान को बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। लेकिन अब देखें दुनिया, ये पाकिस्तान को जो जिस नशे पे लगा रहे हैं अमर बिन मारूफ के, और शाम को पार्टी डीजे बट वाला जो इन्होंने कम्बिनेशन बनाया है, ये कौम माफ नहीं करेगी, क्योंकि कौम इस वक्त बहुत बुरे हालात में फाइनेंशियली, और इसको ना एड्रेस किया गया, और जिस तरीके से अगर हालात खराब हुए आगे मजीद, तो ये संभाल नहीं पाएगा कोई इंस्टीट्यूशन भी पाकिस्तान का, और जो बार बार ये सारे आपके अदारे और ये खासा भूल जाते हैं, आप अटामिक साहब, शहदा के जनाजों के हवाले से जो मनाजिर सामने आए देखने में, उनके हवाले से आपकी क्या राय है? प्रोटोकॉल से हट के जब
लिटरली मेरे लिए तो वो बहुत एक इमोशनल चीज थी, और के प्रोटोकॉल से हट के जिस तरह शहीद के वालिद को बोसा दिया गया, और जिस तरीके से मतलब वो मनाजिर कभी भी हट नहीं सकते आंखों के आगे से, तो जिस तरह से एक दूसरी पार्टी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई इन तमाम चीजों के खिलाफ, इसके ऊपर भी थोड़ी बात कीजिएगा। देखिए शाजिया, मैं यहाँ पे अमेरिका में भी और पाकिस्तान में जो एक मैं समझता हूँ जान का नजराना पेश करना या जान को खतरे में डाल के किसी चीज की हिफाजत करना, इससे बड़ी कुर्बानी सुप्रीम सेक्रीफाइस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं। यहाँ अमेरिका के अंदर जो हमारे फौजी हैं या हमारे यहाँ पे अपने जो पुलिस वाले हैं, देखिए वो किस तरीके से यूनिफॉर्म पहनकर, आज मुझे ये लगता है लसबेला और हर जगह पे जहां भी सलाब सदगान है सिर्फ फौजी जवान उनको उनकी मदद कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये या तो पीटीआई वालों को लेके चले जाए ना बलोचिस्तान में, कहें जी हम सर्व करते हैं, मौलाना जमील साहब जो है वो खुद चले जाए ना लेके अपने साथ दूसरे मजहबी लोगों को, कहें जी आज चल के वहां इबादत भी करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, उनके घर भी बनाते हैं, उनको खाना भी पका के देते हैं, या तो ये करें। नहीं कर सकते तो जवान जो कर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, इनको कोई हक नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर इस तरीके से क्रिटिसाइज करें। बल्कि मैं हैरान हूं इस बात पे, सलीम साफी साहब ने जो ट्वीट की थी कि शुहदा के जो इनकी कैंपेन की वजह से शुहदा के वर्सा जो हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे जनाजों में ये ना आए इंक्लूडिंग आरिफ अलवी साहब। इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि आप सदर पाकिस्तान हैं, आप फवाज के हेड हैं, आप पाकिस्तानी फवाज के हेड हैं, यहाँ पे सदर का ये टाइटल होता है, और उसको शुहदा के वर्सा ने कहा है हमारे जनाजों में ये ना आए। लेकिन ये कि किसी को शर्म आया हो तो फिर वो शर्म करे ना, ये मेरा मकसद है कि उनके आप ये सोचें जिसका बाप शहीद हो चुका हो और वो इस तरह के ट्वीट पढ़ता होगा उसके दिल पे क्या गुजरती है, वो बच्चा क्या देखे जो यूनिफॉर्म पहन। आपको पॉलिसीज के साथ डिसएग्री करते हैं, मुझे खुद एतराज है कि हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट करके इनको 2018 में लाने वाले यही थे, मुझे एतराज है इस चीज पे। लेकिन एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है, आप जब पाकिस्तानी फौज ही नहीं रहेगी तो फिर बचेगा क्या पीछे, और पाकिस्तान की सेफ्टी की जिम्मेदार है वो। शाजिया उनकी पॉलिसीज के साथ डिसएग्री करना, डिसएग्रीमेंट करना अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट के बारे में गलत बात करना, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एट लार्ज गलत बात करना, ये बिल्कुल नाकाबले बर्दाश्त है। जो भी करेगा मैं कंडेम करूंगा। ज्यादती की इन्होंने, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने फिफ्थ जनरेशन वार शुरू कर रखी है, इसके असरार बहुत खतरनाक होंगे। आप बार बार ये भूल जाते हैं कि आप दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर हैं, और अगर आप इसमें मजीद खराबी पैदा करेंगे तो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान में असेंबलियों के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है, आपको क्या लगता है ये असेंबलियां कितनी देर तक अपनी मुद्दत बरकरार रख पाएंगी, क्योंकि जिस किस्म के हालात नजर आ रहे हैं स्टेबिलिटी नहीं है कहीं पे, आपको नजर आता है कि जमातों के दरमियान इस कदर चपकलिश पाई जाती है कि समझ नहीं आ रहा कि कौन इक्तदार छीन कर ले जाएगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है इस वक्त। देखें, एक तो पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत तो मैं समझता हूँ कि इतनी एक बदतरीन इसकी सिचुएशन हो चुकी है। आप पंजाब असम्बली की हालत देखें तो जिस तरीके से वहां पे हो रहा है, 9-10 सीटों वाला बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और उसके बाद उसकी भी पोजीशन कमजोर है, क्योंकि अगले दिन आपके इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन और बशीर चीमा साहब को उनके हक में फैसला आया वहां से। और दूसरा ये है कि वहां जो 20 रुकनी मेंबर का कैबिनेट बनी है उसमें काफ लीग का एक भी वजीर नहीं है, और जो 10 MPA है जो काफ लीग के वहां पे, मेरी इत्तला के मुताबिक वो 10 के 10 मिनिस्टर वजारतें चाहते हैं, और अगर उनको वजारतें ना मिली तो उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, वो शायद हो सकता है PDM के कैंप में चले जाएं। ये तो पंजाब की सूरत हाल है। यहाँ आपके एक खास फेडरल मिनिस्टर ने चैलेंज कर दिया है कि 14 अगस्त के बाद हम जो है वो ओपन आ जाएंगे, घराव करेंगे और जलाओ करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि कोई मर्द का बच्चा हमें दिखाए, हमें रोक के दिखाए। तो उसमें ये वही है जो पिछले दिनों सर्कस एक चल रही थी, वो चलती रहेगी। दूसरी तरफ जो पार्टी है जो इस वक्त PDM के जो हुकूमत है, कोलिजन गवर्नमेंट, वो 11 पार्टियां हैं, सपोर्ट वो अच्छा ताकत उनमें मौजूद नहीं है। इमरान खान को ना वो अरेस्ट, ना किसी भी, 11 लोग साथ उनके आए हैं जो अकाउंट ऑपरेट करते रहते, असद कैसर साहब और इस तरह के लोग,
उनके खिलाफ वो कोई ना कोई स्टेप उठा सकते हैं, डरते हैं, कमजोर हैं, असेंबली के अंदर अपोजिशन कोई नहीं है, मैंडेट कोई नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो पता नहीं, कोई पता नहीं, किसी दिन अखबार की सुर्खी आनी है कि हुकूमत खत्म हो गई है और अबूरी हुकूमत बन गई। जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो इंटरव्यू लिए जा रहे थे, अबूरी हुकूमत के लिए पूरी तैयारी की जा रही थी। मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पर उनसे पूछे, पाकिस्तान का सलूशन वैसे है इस वक्त अबूरी हो, लेकिन अबूरी हुकूमत हो, उसमें सारे टेक्नोक्रेट हो, अपने किरदार उनके क्लैरिक कौम के सामने रखे जाए, उनकी एक्सपर्टीज देखी जाए और उनको एक साल दो साल के लिए फ्री हैंड दिया जाए और पहली प्रायोरिटी ये हो कि वो करप्शन का खत्म करें और उनके नाम पहले दिन ECL में होने चाहिए। उनको पता हो कि हमने यहाँ पे वारदात करके नहीं जाना और कंडीशन हो किसी ऐसे बंदे को अबूरी हुकूमत में ना लिया जाए जिसकी बीवी फॉरेन नेशनल हो, जिसके बच्चे फॉरेन नेशनल हो या लंदन और टोरंटो बैठे हों, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि उनका ध्यान होते ही नहीं पाकिस्तान में, जिनका सारा कुछ बाहर हो, फिर बाहर की सोचते हैं वो डॉलरों पाउंडों से खेलते हैं, वो रुपयों के साथ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ उनका दर्द नहीं होता। ये क्राइटेरिया जब तक आप नहीं बनाएंगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो क्या खैर करनी, जब तक करप्शन ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तरक्की कहाँ होनी है। आपकी ब्लीडिंग जो बाहर निकल रहा है पैसा, वहां से बोरियों के हिसाब से, सूटकेसों के हिसाब से, जब तक वो नहीं रोकेंगे आप चैन नहीं आ पाएगा। इदारे कमजोर हो तो जमहूरियत कमजोर होती है, जमहूरियत कमजोर हो तो इदारे कमजोर होते हैं। ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। जब इनको खुली छुट्टी दी जाती है तो ब्यूरोक्रेसी के करप्शन के रेट बढ़ जाते हैं। तो आजकल वही हो रहा है कि आपके रेट जो है वो उस्मान बुज़दार साहब का एक कमजोर, उनके चीफ मिनिस्टर थे, ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा भरपूर तरीके से फायदा उठाया उनकी कमजोरी का और अब उससे भी आगे जा चुके। अब देखें ना, आप परवेज लाई साहब ने आते ही सबसे पहले सबसे ज्यादा बदला लिया है, वो ब्यूरोक्रेसी से लिया है। वो मायूस होती है जब उनको अपना फ्यूचर अच्छा नजर नहीं आता, तो जाहिर है वो भी इंसान है, जो अपॉर्चुनिटी सामने आती है उसको वो फेल करता है। अच्छा साजिद साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, इमरान खान साहब ने इंतखाबात में 9 की 9 सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। मेरे इसके हवाले से 3 सवाल हैं, छोटे छोटे, जिनके मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। क्या पीटीआई के पास कोई उम्मीदवार बाकी नहीं बचा सिवाय इमरान खान साहब के, या पीटीआई सिर्फ वन मैन शो के ऊपर यकीन रखती है कि इमरान खान साहब नहीं है तो पीटीआई भी नहीं है, या तीसरा ये कि गरीब मुल्क के पैसे जो हैं वो एक गरीब मुल्क को, जाहिर है इलेक्शन मुफ्त में तो नहीं हो जाता, अच्छे खासे उसके ऊपर अखराज आते हैं, तो क्या इमरान खान साहब इस गरीब मुल्क के गरीब लोगों के पैसों को उजाड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं इसके बारे में बड़ी रिसर्च की, बड़ी डिटेल मैंने की है। इस वक्त शाजिया एक छोटा सा ज़मीनी इलेक्शन हल्के का MNA के लिए, उसका खर्चा 7 से 8 करोड़ रुपया आता है उसका जी। अब इसको 9 के साथ जरब दे लें आप, लेकिन खास अब जिस फिलासफी पे चल रहे हैं वो फिलासफी इलेक्शन नहीं है। उनकी फिलासफी ये है कि पंजाबी के अंदर ना खेडांगे ना खेडण देंगे। वो कहते हैं मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े, मैं नहीं तो पाकिस्तान पे एटम बम मारो। वो कहते हैं अमेरिका की गुलामी, जिनसे 36 गाड़ियां उन्होंने अगले दिन परसों ली हैं करात में, कहते हैं अगर उससे साथ में वीजा मांगने की भी कोशिश की गई है, जिसपे अमेरिकी सफीर ने मुस्कुरा कर एक किस्म का इंकारी किया है। उसमें जिनसे उन्होंने 36 गाड़ियां ली, कहते हैं अगर उनकी गुलामी करनी थी तो उससे अच्छा पाकिस्तान ही ना बनता। ये सियासत नहीं, खान साहब किसी वजह से पाकिस्तान से नाराज है, गुस्से में, वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के बारे में सोच रहे हैं। अब वो 9 सीटें क्या होंगी, अब कानून इसमें ये कहता है कि 9 सीटों में से 1 सीट वो रख सकते हैं, 18 का फिर ज़मीनी इलेक्शन, 8 के ऊपर दोबारा, जी बिल्कुल 8 में फिर इलेक्शन होगा, उसको फिर 8 करोड़ पर सीट के हिसाब से जरब दे लेगा। इसका ये इसका 2-3 इनका निशाना क्या है, एक तो जमहूरियत निशाना है कि जमहूरियत को खराब करना, दूसरा सियासत को खराब करना, तीसरा कौम को खराब करना, चौथा इस्लाम को खराब करना। मुसलमान या इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप एक गरीब मुल्क के आप उसके जो उसका इस तरीके से मजाक उड़ाए, आप इस तरीके से जमहूरियत का मजाक उड़ाए। तो ये मौलाना जमील साहब अगले दिन बनीकाला के बाहर खड़े होके बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे गए, तो मैं ये कहूंगा जमील साहब अंदर भी जाके कुछ बात करनी थी मजहब की, कौमियत की। तो 9 सीटों पर आके जमहूरियत का और इस कौम का मजाक उड़ाना, इससे अच्छा है कि आप बाइकॉट कर देते हैं इलेक्शन।
लेकिन ये कि इलेक्शन भी लड़ना हो अपनी मर्जी की जगह पे, असेंबली में कहते हैं असेंबलियां तोड़ देंगे, कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली में इन्होंने अगले दिन इलेक्शन में बड़े भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, सुबह सरहद के अंदर इनको असेंबलियां वहां की पसंद है, कश्मीर की असेंबलियां, इसका मतलब एक जहां हम हैं वो असेंबली ठीक है, जहां हम चीफ मिनिस्टर हैं वो असेंबली ठीक है, जहां हम नहीं है वो असेंबली गलत। तो अगर ये इसको सियासत कहा जाता है तो फिर आपको मुबारक हो, ये जमहूरियत है तो फिर आपको मुबारक हो, और रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन के अगर फैसले इस तरह के हैं तो फिर मैं दुआए खैर ही कर सकता हूँ, इससे अलावा मैं विश्वास ये कहता हूँ। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, बहुत जबरदस्त आपका तज़िया हमें सुनने को मिला, यकीनन नाज़रीन को भी पसंद आया होगा। नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त, साजिद आरिफ साहब को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान।